महिला सब इंस्पेक्टर एसआई रीना कुमारी है। वो ट्रांसिट हॉस्टल में रहती थी अकेला उनके लड़के के साथ। वो लड़का 15-16 साल का है। वो अभी 3 दिन पहले यहाँ पे दिखाई पड़ा, उनका कहीं एडमिशन करने के लिए छोड़ के गए। सर का आसपास लोग कर रहा है और बाकी चीज़ हम जांच कर रहा हूँ। अभी लगभग 11:30 बजे के आसपास हमको सूचना मिला है, पड़ोसी लोगों ने देख के एक कमरा एकदम खुला पड़ा है, 2 दिन से दिखाई नहीं पड़ा। सर का बाल लोगों ने देखा, उसके बाद पता चला है उस महिला का पहले गला दबा के उसके पीछे सिर पर कुचल के मर्डर हुआ है। और अभी हमारा फोरेंसिक टीम आई, पूरा वेरीफाई कर रहा है और घटना किस तरह को हर चीज़ हम जांच कर रहा हूँ और बाकी चीज़ का भी हम पता कर रहे हैं। इनका क्या मोटिव हो सकता है, क्या कारण है, यह सब चीज़ पता कर रहा हैं हम लोग। अभी वर्तमान में ये पता चल रहा है, यह एसपी रीजनल में काम करती है, एसपी इंटेलिजेंस रीजनल ऑफिस में काम करती थी और एसपीआर साहब आया, उन्होंने पता है। अभी कुछ दिन से मेडिकल लीव में है। अभी हमारे सर ने बताया, हमने ऐसा मारा, हमने बता दिया अपने सर से। कैसा मारा? कैसे मारा? आज हमने राड मारी उसका जो है। ये सामान बिखरा हुआ था, वो क्यों बिखरा था? क्या वहाँ क्या ढूंढ रहे थे आप लोग? नहीं, हम नहीं ढूंढ रहे थे, जो हमारे संग साथ में था उन्होंने छोड़िया तो उन्होंने मारने वाले दिन भी क्या समझाने की कोशिश की थी उसे? पहले समझाया था हमने, मगे भाई ऐसा सब बात वाले नहीं भागे था सब। एक यहाँ पुलिस लाइन के ट्रांजिट हॉस्टल में एक महिला सब इंस्पेक्टर जो कि हमारे जेडो ऑफिस में कार्यरत थी, उनकी हत्या कर दी गई थी उनके ही घर में। तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने तत्काल इसके खुलासे करने का प्रयास किया और कई सारी टीमें हम लोगों ने इसमें लगा दी। और जो बात सामने आई वो ऐसी थी कि इनके घर में एक पारिवारिक विवाद था ज़मीन को लेकर, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसमें कि इनके जो भाई हैं उनमें और इनमें वसीयत को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन चल रही थी उनके बीच में। और उसी क्रम में इनके भाई ने, जो विपिन नाम के, उन्होंने वो अपने लड़के को लेकर यहाँ आए और साथ में 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लेकर वो यहाँ पर इनके घर पे आए। मारने की पूरी प्लानिंग उसी दिन की थी और यहाँ पर आकर इन्होंने उनको मारा और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद ये वापस अपने यहाँ अमरोहा चले गए।